ये सब फ्राड हैं मसला सर्द करने के लिए उसे हमने बताना है, तो तो है जिसके रसूल गाली दी और अब तो सरकारी पे दी गई ये पहला वाक्य है एक मुल्क का सदर ऑन कर रहा है, अकर रहा है। कि हम तो ये इंतहा पसंदी के खिलाफ है हम तो शिद्दत के खिलाफ है इस्लाम के खिलाफ नहीं मैं कहता तो कमीनों अगर नमू से रिसालत में पहरा देना इस्लाम नहीं तो फिर पीछे इस्लाम क्या है ये छोटी छोटी बातें अगर चे हमारी हकुमत से तो ये भी नहीं हो रहा कि उस उनके सफीर को जूते मार के निकालते और अभी तक ये इधर उधर की बातें करते फिर रहे हैं बिल्कुल ये वही तरीका है जैसे कश्मीर का मसला अकवाम मुतहदा की एक तकरीर के जरिए डाला गया अब भी वही है की मैं खुद क्या करूंगा क्या कर रहे हो उसी दिन चाहिए था। फ्रांस के मलून सदर ने जसारत की अपनी चक्की में से बैठकर वो आर्टिकल फ्रांस को जवाब कैसे दिया यकीन इसमें भी जजबा ईमानी का इजहार है बड़ा इजहार है कि हम उनकी मसनूआत का बाइकाट करें जरूर करें उनके सफीर को यहा से निकालें जरूर निकालें जल्द अज जल्द हमारा मुतालबा है लेकिन ये उस तोहन की सजा नहीं है जो तोहन हुई है यूरोप में मुसलसल तोहन हो रही है और हमारे हुक्मरान माजरत खाहाना रवैया इख्तियार किए हुए हैं इसलिए उनकी हौसले बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने अपना शरीफा जो सादर किया उसमें भी मैंने ये लिखा सलाहुद्दीन अयूबी ने सिर्फ एक जुमले का बदला लेने के लिए जंग लड़ी उस गुस्ताख बादशाह ने कहा था नोम कहा है तुम्हारे मोहम्मद उन्हें बुलाओ वो तुम्हारी मदद करे मिसर के ताजरों को उसने जब शहीद किया तो कहा बुलाओ उनको तो सुल्तान सलाहुद्दीन अजूबी बिस्रे मरग पे थे बीमार थे ये खबर पहुंची तो दुआ की या अल्लाह मौत से पहले मुझे एक बार सेहत दे मैं इससे पूछूं कि ये गुलाम मोहम्मद की जरू तो बर्दाश्त नहीं कर सकता और उनको दे रहा है सलाहुद्दीन सलाहद्दीन ने जंग लड़ी और कहा कि उसे तुमने जिंदा पकड़ना है जिंदा जब पकड़ा गया तो सुल्तान ने अपने हाथों से उसका सर उतारा और फिर एक थाल में रख के दुनिया के सारे बादशाहों के दरबारों में भेजा कहा जो हमारे आकाश वसल्लम के बारे में इस तरह तोहिन का जुमला बोले हम उसका ये हशर करते अगरचे सारे मुल्क अपने अपने इलाकाई मसाइल में भी लड़ते हैं और अपनी जमीन की हिफाजत भी करनी चाहिए मगर सबसे बड़ा फरीजा इस वक्त इस वक्त सारी इस्लामी फौजों के लिए वो फ्रांस से तोहन का बदला लेना है और मुस्लिम हुक्मरानों को यह चाहिए कि पहले वो फ्रांस को यूनाइटेड नेशन को एक बार इतमी हजत के लिए वार्निंग दें कि वो मलयूम सदर उम्मत मुसलिमा के हवाले किया जाए और अगर वो नहीं करते तो फिर इसके बाद क्या मत तक वो फौज उम्मत की आंखों की तारा बनेगी जो फ्रांस पे हमला करके अपने नबी की तोहन का बदला लेगी लभ भाई लिहाजा हमें जो शरी हुक्म वो, वो बयान तो करना चाहिए अब लेना किसी से कोई चीज एक ड्रम हो और आगे प्याली करे तो वो उसमें लेना क्या जाता